दोस्तों, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने के लिए मोटिवेशन हमारी मदद करती है और हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। हम सभी के जीवन में एक मोड ऐसा आता है जब हमको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दोस्तों, ये समय हर इंसान के जीवन में एक न एक दिन जरूर आता है, और यदि आप इस समय के अंदर कुछ बेहतरीन लोगों की मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं और उनकी बातों को समझते हैं तो आपको निश्चित ही आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है और आपको एक आशा की किरण भी नजर आती है। अब सवाल यह उठता है कि हम किस मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखें जो हमारे लिए फायदेमंद रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए भारत के कुछ बेस्ट इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपके अंदर आगे बढ़ने का एक जुनून जागृत होगा और इन सभी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। इसलिए बिना देरी किए जानते हैं बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडियन। अब हम आगे आपको भारत के बेस्ट हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी वीडियो को आप देख सकते हैं और उनके द्वारा कही गई बातों को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन सभी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों को ध्यान से सुनते और समझते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 1. संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी को आज के समय में कौन नहीं जानता है। ये एक बेस्ट इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर है। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रेरित किया है और ये अभी भी कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी जी जीवन की हर एक पहलू के अंदर सफलता को प्राप्त की है, फिर चाहे वो करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो और फिर चाहे स्पिरिचुअलिटी की दुनिया हो। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ही बारीकी से समझा है और जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है और समझा है वो सब कुछ अपने पूरे दिल के साथ में लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़ते हुए अपना मनपसंद काम फोटोग्राफी को चुना और आज इनकी एक वेबसाइट है जो इमेजेस बाजार के नाम से प्रसिद्ध है और वहां से ये करोड़ों की अर्निंग भी कर रहे हैं। वर्तमान में इनके यूट्यूब पर दो चैनल है जहां पर उनकी 25 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है और ये इन दोनों चैनल के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का और आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। 2. डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक जाने माने एंटरप्रेन्योर और हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर है। 5 अप्रैल 1978 को इनका जन्म दिल्ली के अंदर हुआ था और जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को पार करते हुए ये आज इस मुकाम पर है कि जहां पर इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। यदि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आपको भी बिजनेस कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप इनकी बातों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बिजनेस के अंदर काफी सफलता हासिल की है। ये बड़ा business.com के CEO है और इनका एक प्रोग्राम है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर ये बिजनेस के बारे में सभी बातें बहुत ही बारीकी के साथ में बताते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का यूट्यूब पर एक चैनल है जहां पर यह मोटिवेशनल वीडियो और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन केस स्टडी लेकर आते रहते हैं, जिनको आप देखकर बिजनेस को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 3. सोनू शर्मा। सोनू शर्मा भारत के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक माने जाते हैं। सोनू शर्मा एक लेखक होने के साथ साथ एक सफल बिजनेस कोच भी है और एक सफल यूट्यूबर भी है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की थी और वर्तमान में इनके YouTube के अंदर 10 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है और लाखों लोग इनकी वीडियो को देखना और इनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी देते हैं। यदि आपने अभी तक इनकी वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इनकी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इनकी वीडियो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। 4. हिमेश मदान। हिमेश मदान एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है और आप सभी को पता होगा कि इनके पिताजी भी एक प्रसिद्ध हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनका नाम है TS मदान, और आपने कभी ना कभी इन दोनों की वीडियो को जरूर देखा ही होगा। हिमेश मदान ने अपने जीवन में काफी संघर्षों का सामना किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ट्रेवल कंपनी के अंदर की थी और उसके बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के अंदर भी इन्होंने कुछ समय के लिए काम किया था। शुरुआती समय में हिमेश ने बहुत सारे बिजनेस करने की कोशिश की थी लेकिन किसी भी बिजनेस के अंदर उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि महिंद्रा, HDFC, टाटा मोटर्स, SBI, इन सभी कंपनियों के अंदर इनके क्लाइंट्स हैं और यह वहां से अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
इसके साथ ही साथ इनका एक YouTube चैनल भी है जहां पर इनके 7 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है। YouTube के अंदर ये लोगों को मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, करियर, रिलेशनशिप और सेल्फ हेल्प से जुड़ी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं और अपनी वीडियो के माध्यम से अलग अलग तरीके से लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हिमेश मदान जी ने भी ऑसम लाइव ऑसम नाम की एक बुक भी लिखी है जिसमें करियर बनाना, अपने लक्ष्य गोल करना, स्ट्रेस कॉन्फिडेंस बढ़ाना, गुस्से को हैंडल करना और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना, इन जैसी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मार्गदर्शन गाइड किया गया है, इसलिए लोगों की भी ये काफी पसंदीदा बुक है। 5. उज्जवल पत्नी। उज्जवल पत्नी जी का नाम तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना ही होगा और यूट्यूब के अंदर आपने इनकी वीडियो को भी जरूर देखा ही होगा। हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में 7 किताबें प्रकाशित की हैं, जो कि 25 देशों के अंदर 10 से 12 भाषाओं के अंदर प्रकाशित हुई है। इनके द्वारा लिखी गई किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है और साथ ही साथ आपकी सोच भी पूरी तरह से बदल जाती है। उज्जवल पटानी जी का यूट्यूब चैनल भी है जहां पर 7 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है। जब आप इनकी वीडियो को देखते हैं तो आपको इनकी वीडियो के अंदर एक स्पष्टता नजर आती है जिसकी मदद से आप जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उज्जवल पत्नी जी ने कुछ किताबें भी लिखी हैं और उनमें से एक किताब है पावर थिंकिंग। इस किताब में उन्होंने लोगों के सफलता का राज बताया है। इसके अलावा पावर ग्रैटिट्यूड, पावर रीडिंग, पावर लैंग्वेज, पावर विंडोज, इन सब चीजों के बारे में बताया है और इसके अलावा ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो आपको लाइफ में एक सफल इंसान बनने में बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। बहुत सारे लोगों के द्वारा इस किताब को बेहद पसंद किया गया है। 6. श्री सद्गुरु जग्गी वासुदेव। जब भी हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में इनका नाम जरूर आता है। सद्गुरु जी के नाम से जाने वाले जग्गी वासुदेव जी का जन्म 5 सितंबर 1957 में हुआ था। सद्गुरु जी एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। जीवन के हर एक पहलू को इन्होंने बड़ी ही बारीकी से समझा है और इनकी बातों में आपको एक अलग ही आनंद आता है। अपनी अलग अलग वीडियो के माध्यम से सद्गुरु जी लोगों को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिकता का ज्ञान भी देते हैं। सद्गुरु जी ने लोगों को आध्यात्मिकता का सही ज्ञान बताया है क्योंकि वर्तमान समय में लोग आध्यात्मिकता के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन और भी मुश्किल बनता जा रहा है। लेकिन जब हम सद्गुरु की वीडियो को देखते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं तो हम आध्यात्मिकता के सही मतलब को जान पाते हैं और आध्यात्मिकता का ज्ञान हमको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है और हमको एक सही राह भी दिखाता है। सद्गुरु जी की वीडियो इंग्लिश के अंदर होती है लेकिन यूट्यूब के अंदर इनकी वीडियो को अलग अलग भाषाओं के अंदर अनुवादित किया जाता है। सद्गुरु जी ने कुछ किताबें भी लिखी हैं और उनमें से एक किताब है इनर इंजीनियरिंग। इस किताब में सद्गुरु जी ने माइंड, बॉडी और एनर्जी के बारे में बताया है। ये किताब हमारे जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को समझने में हमारी मदद करती है और साथ ही साथ हमारे जीवन में शांति लाने का काम करती है। 7. हर्षवर्धन जैन। हर्षवर्धन जैन एक जाने माने हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। ये बेस्ट सेलर के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही साथ अपने देशी अंदाज के लिए भी यह जाने जाते हैं। 21 अप्रैल 1980 के अंदर जयपुर से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव के अंदर हर्षवर्धन जैन का जन्म हुआ था और आज के समय में यह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सफल बिजनेसमैन है और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जाने जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का जब भी कोई सेमिनार होता है तो हर्षवर्धन जैन को एक प्रमुख लीडर के रूप में सम्मानित किया जाता है। YouTube के अंदर इनके करीब 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर ये लोगों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। 8. श्री गौर गोपाल। महाराष्ट्र के अंदर 1973 में इनका जन्म एक गांव के अंदर हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को इन्होंने बीच में ही छोड़ते हुए लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया था। गोपाल दास जी को एक सन्यासी के रूप में भी जाने जाते हैं और इसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी लोग इनको जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई सारी किताबें भी लिखी है जिनको पढ़कर आप जीवन में सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। जब आप इनकी वीडियो को देखते हैं तो आपको इनकी बातों में सत्य नजर आता है और श्री गोपाल दास जी लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से सत्य का मार्गदर्शन करवाते हैं। गोपाल दास जी की एक किताब है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। इसमें उन्होंने जीवन का सार काफी आसान शब्दों में बताया है जिससे कि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग किताब बन सकती है और इस किताब को काफी सारे लोगों द्वारा पसंद किया गया है।
9. पुनीत जिंदल। पुनीत जिंदल एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ में लोगों को आध्यात्मिकता का ज्ञान भी सिखाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में काम किया है, जिसकी वजह से लोग इनको फॉलो करते हैं। ये अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ में किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इनके अंदर एक सफल लीडर के सभी गुण हैं। इनकी वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेस्ट हिंदी मोटिवेशनल श्यारी। जीवन में आने वाली मुश्किलें ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान करती है। जीवन में मुसीबतें तो बहुत है, लेकिन जिस इंसान के अंदर आगे बढ़ने का हुनर है वही इंसान कामयाब है, क्योंकि कठिनाई से भरे इस जीवन में कुछ लोग पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। जिंदगी में अगर सफल होना है तो मेहनत करना सीख, और अगर मेहनत नहीं कर सकता है तो असफलता का सामना करना सीखे। जीवन में अगर सफलता का को हासिल करना है तो जोखिम भी उठाना सीख, क्योंकि सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के लिए आपको नीचे की सीढ़ी छोड़नी ही पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ में बात की है हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में। इस लेख के अंदर हमने उन सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में आपको बताया है जिन्होंने जीवन में बड़ी बड़ी सफलता को हासिल किया है और लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स से आप जीवन के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान ले सकते हैं और कुछ भी नया करने की सीख ले सकते हैं। इसलिए इन सभी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।